बड़वानी जिले से खरगोन लाई जा रही अवैध शराब खपाने से पहले ही आबकारी अमले ने जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक कार से करीब 1,04,000 रुपए मूल्य की देशी विदेशी शराब जब्त की है। आबकारी अधिकारी सचिन भास्कर ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम नंदगांव के समीप नाकाबंदी कर एक चार पहिया कार को रोका। कार में तलाशी के दौरान 35 पेटी बियर और 5 पेटी देशी शराब बरामद हुई। कार में सवार 2 युवकों को हिरासत में लिया है। कार महाराष्ट्र पासिंग नंबर की है। यह किसके नाम पर है इसकी जानकारी आरटीओ से जुटाएंगे। कार्यवाही में कार भी जब्त की है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। मुखबिर से सूचना मिली थी दौरान ठीकरी की ओर से चार पहिया वाहन में अवैध मदिरा का परिवहन होने वाला है, जिसके तहत हमने गांव नंदगांव के पास में नाकाबंदी करते हुए एक चार पहिया वाहन को इनको रास्ते में रोककर दो आरोपियों को इस पर गिरफ्तार किया। इसमें वाहन में कुल 35 पेटी लेमाउंट बियर की है कैन की और 5 पेटी देसी मदिरा है। कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? ये अभी पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। इसमें बताया कि ठीकरी की तरफ से गाड़ी आ रही थी, इसको हमने गांव नंदगांव में रोका। सर देखा जा रहा है महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी है तो क्या राजस्थान से बाहर से माल सप्लाई? नहीं, उसमें विवेचना के दौरान हम लोग पता करेंगे इस गाड़ी का वाहन स्वामी कौन है, आरटीओ से जानकारी लेकर। जब्त मदिरा की कुल कीमत है इसमें 1,04,000 और गाड़ी की कीमत है लगभग 5 लाख के लगभग। कुल जब्ती करीब 6,04,000 के लगभग। क्या नाम सर आपका? सचिन भास्कर है, आपका उप निरीक्षक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।